नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वालिद आया, एक बेटा आया, बेटा आके शिकायत लगा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए अल्लाह के रसूल मेरा बाप मेरा माल निकाल लेते हैं, मैं 10 कमा के लाऊं, मैं 20 कमा के लाऊं, इसको ख्याल ही नहीं, ये 5 निकाल लेता, ये 7 निकाल लेता, मैं फूमन आपके सामने रख रहा हूं, यानी मैं 100 भी कमा के आता हूं किसी दिन 100 ही निकाल लेता है, इसको नहीं पता मेरे भी अखराजात हैं। बाप की चोरी की शिकायत मुआज़ अल्लाह लेके आ रहे। ये हदीस यहां तक टुकड़ा सही है, अगले लफ्ज भी सही है, दरमियान में कुछ ज़ईफ रवायात हैं लेकिन मफहूम उनका भी दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप से पूछते हैं कि बताइए आप क्या कहते हैं। बाप कहता है जब ये छोटा था, जब ये बच्चा था, जब ये हिल भी नहीं था सकता तब इसको मैं अपने हाथ में उठाता था, जब ये चल नहीं था सकता तब मैं इसको चलाने की कोशिश करता था, जब ये दौड़ नहीं था सकता मैं इसके साथ दौड़ता था, जब ये मेरे साथ कलाम करने की कोशिश करता था मैं एक एक लफ्ज 100-100 दफ़ा इसके मुंह में डालता था। आज मुझे कहता है कि ये मेरा पैसा है और मेरी मर्जी से खर्च कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप की बात सुन रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। नबी करीम ने सख्ती के जो अल्फाज कहे हैं ना, उनमें से एक मकाम ये भी है, अपने सहाबी को मुहातब होके कह रहे हैं तू, ये हदीस सही है, यहां से टुकड़ा फिर सही हदीस का शुरू हो जाता है, तू और तेरा माल, तू और तेरा माल, 3 दफा कहा तू और तेरा माल, तू भी और तेरा माल भी सारे का सारा तेरे बाप का है, आज के बाद मुझसे ये शिकायत ना लेके आई, मेरे सामने ये शिकायत ना करी। हमने बाप को क्या समझा हुआ, माँ बाप को चंद रोटी के टुकड़े खिला के हम ये समझते हैं हमने उनका हक अदा कर दिया। जो वालिदैन जिनके जिंदे आज अहद करें उनकी खिदमत में अपनी जानों को खपाएंगे, रागी मानफू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, मुराद क्या है, घर में माँ बाप है और बाहर जाके नेकियां ढूंढता फिरता है, नेकियों के काम क्या करूं, घर में तेरे माँ बाप हैं, तेरी नाक खाक आलूद हो तो उनको राजी करके जन्नत को कमा ले। और रमजान की हदीस के अंदर भी ये अल्फाज मौजूद है, रमजान की हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उस बंदे के लिए हलाकत है, तबाही है, जो वालिदैन में से किसी एक को पाले, किसी एक को पाले या दोनों को पाले और अपने आप को जहन्नुम से आजाद ना करवाए वो नाकाम हो गया, असल बदबख्त ना मुराद वही है। माँ बाप में से एक जिंदा है या दोनों जिंदा है फिर भी लोगों से दुआएं करवाने के लिए भाग रहा है, लोगों से पूछ रहा है, लोगों के पीछे के नेकी का क्या काम करूं, नेकी तेरे घर में मौजूद है, तुझे चाहिए कि उसी नेकी को बजा ला। इतना छोटा गुना, और आज बच्चों की ऐसी तरबियत है, ऐसे स्कूल है, ऐसे इदारे हैं, अब क्या वो अल्फाज दोहराए, मामा आपको क्या पता, बाबा आपको क्या पता, बच्चा कह रहा है बाबा आपको क्या पता, हमारी जिंदगी है, आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आप मुदाखलत कर रहे हैं, हमारी मर्जी है। ये वलीउल्लाह, इसको वालदा आवाज दे ये नमाज न तोड़े, इतने बड़े वबाल का दुनिया में शिकार हो जाए। और अलकमा की जो मशहूर हदीस है ना, अलकमा की है ज़ईफ लेकिन मुहद्दिसीन ने उसका भी कहा मफहूम दुरुस्त है कि वालिदैन का नाफरमान आग में जलेगा, यह मफहूम दुरुस्त है। अलकमा का वाकया मशहूर आपने सुना होगा, कलमा नहीं अदा हो रहा, सहाबा परेशान हो गए, रसूलुल्लाह आपके सहाबी के मुंह से हालत नदा में कलमा नहीं अदा होगा हो रहा, रसूलुल्लाह ने कहा पूछो वालदा को बुलाओ, पता किया, वालदा ने कहा बड़ा ताबेदार है, बड़ा अतात गुजार है, बड़ा फर्मा बरदार है, लेकिन एक बात दिल में है, जब मैं इसको कई मर्तबा काम कहती थी ना तो आगे से तेजी से जवाब देता था, गाली नहीं था निकालता, बुरा भला नहीं था कहता, आगे से तेजी से जवाब देता था, तो ये बात मेरे दिल में जरूर थी कि मैं इसकी माँ हूं, मैंने परवरिश की, मैंने कफालत की, 9 महीने तक बोझ उठाया, 2 साल तक दूध पिलाया, इतने एहसानात किए, चल भी नहीं था। आप इंसान अपनी तखलीक के ऊपर गौर करे, इंसान कितना कमजोर होता है 7-8 बरस तक, सिर्फ वालिदैन उसकी प्रोटेक्शन, उसकी पनागा होते हैं। वालदा ने कहा यह दिल में बात थी, आगे तेज तेज बोलता, सिर्फ तेज थे, तो रसूलुल्लाह ने कहा लकड़ियां जमा करो इसको जला दो, वालदा ने कहा ना ना ऐसा जुल्म तो मेरे बेटे के साथ ना करो, कहा नहीं जलाओगे
तो आगे तो जलेगा या इसको माफ कर दे। वालदा ने कहा कौन अपने बेटे को जलता देखना चाहेगा, मैं माफ करती हूं। इधर माफ किया, इधर जुबान से कलमा जारी हो गया।